करें, ताबुक खंड में शुरू होना है, किस तरीके से रहेगा, क्या तैयारी है, क्या कहना है सर? देखिए, G20 की लास्ट शेपा मीटिंग है जो कि मेवात के अंदर ITC ग्रैंड भारत के अंदर ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसके अंतर्गत जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष जो कि 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक दिल्ली के अंदर मीट करने वाले हैं, उनका जो फाइनल एजेंडा होगा वो यहाँ पर बनाया जाएगा। फिर उसके बाद जो फाइनल एजेंडा के अंतर्गत जो G20 में रखा जाएगा और फिर वहाँ पर राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा उसे एग्रीमेंट्स के साथ उसको अप्रूव किया जाएगा। तो ये फाइनल एजेंडा के ऊपर डिस्कशन है जो कि बहुत अहम होती है और इसमें 176 डेलीगेट्स आ रहे हैं, जिसमें 140 जिसमें लगभग 40 MEA के ऑफिशियल्स भी हैं जो कि यहाँ पर विजिट करेंगे ITC ग्रैंड भारत में और लेमन। तो कितना फ़ायदा यहाँ मेवात ज़िले को इससे होने जा रहा है, क्या फ़ायदा? देखिए, सबसे पहला महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मेवात एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, एक तो उसके ध्यान में रखते हुए अगर मेवात पे ये G20 मीटिंग है अपने आप में एक बहुत मायना रखती है। लोगों को ये पता चलेगा कि मेवात में एक ये भी जगह है जहाँ पर G20 हम होस्ट भी कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से भी करना चाहूँगा कि जो G20 से इस ज़िले को, आकांक्षी जिले को जो महत्वपूर्णता मिलेगी वो पूरे विश्व के अंदर इसको गिना जाएगा।